जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है आपके। दोस्तों आज बहुत जल्दी से आपको बताऊंगा कि हंटर 350 में तीन बड़ी प्रॉब्लम क्या क्या हैं। वैसे तो अगर मैं चाहूं तो इस बाइक में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको गिना सकता हूं, लेकिन जो जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में सिर्फ आज आपसे मैं बात करूँगा। तो दोस्तों जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बिल्कुल जेन्युइन वीडियोज़ आपको हमेशा मिलती रहेंगी इस चैनल पर। और जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है बुलेट अड्डा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वो भी आप ज्वाइन कर लीजिए। तो वहाँ पर आप मुझसे बात भी कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं कुछ। देखिए दोस्तों, हंटर 350, मैंने हमेशा इस बाइक के बारे में बड़ाई की है, इसलिए नहीं कि मैंने ख़रीद रखी है, बल्कि इसलिए कि वास्तव में बाइक बहुत अच्छी है और ज़्यादा कुछ खामियां नहीं है। हर एक बाइक में, हर एक आइटम में कुछ ना कुछ परेशानियाँ कमियाँ होती हैं, लेकिन अगर आप हंटर 350 ले रहे हैं, कुछ भाई मेरे ऐसे बोलते हैं कि भाई आप किसी चीज़ की बड़ाई करते हो फिर उसकी बुराई भी करते हो। दोस्तों ऐसा नहीं है। देखिए किसी भी चीज़ में कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं, कुछ बुराइयाँ भी होती हैं, तो उसी वजह से आपको दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए हमेशा किसी प्रोडक्ट के बारे में। तो इसी वजह से मैं आज आपको बताऊँगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहली जो कमी है वो मैं आपको बताता हूँ, वो है इसकी बिल्ट क्वालिटी को लेकर। बिल्ट क्वालिटी से मेरा मतलब क्या है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बिल्ट क्वालिटी का आपको फ़र्क महसूस होगा। जो ये है ये इतनी अच्छी तरीके से लगा हुआ नहीं है, कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है बिल्ट क्वालिटी को लेकर जगह जगह पर। साथ ही साथ जो पैनल्स हैं ये फाइबर के हैं, फाइबर के हैं तो मुझे दिक्कत नहीं है, जैसे कि मडगार्ड भी ये फाइबर के हैं, लेकिन इससे दिक्कत नहीं है। दिक्कत है मेन बहुत ही हल्की क्वालिटी, बहुत ही चीप क्वालिटी यहाँ इस्तेमाल की गई है। अगर आप फुट रेस्ट भी देखेंगे तो ये देखिए, और इस फुट रेस्ट की जो साइज़ है वो भी छोटी है। तो जो इस बाइक की कीमत है वो आपको पता है कि अगर हम क्लासिक से कंपेयर करें तो काफ़ी कम है। तो बिल्ड क्वालिटी में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है बाइक की। अगर हम क्लासिक 350 लेते हैं जिसमें अलॉय व्हील्स वगैरह सब आ जाए तो लगभग 50 से 60,000 रुपये का फ़र्क आ जाता है दोनों की प्राइसेस में, लेकिन यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी का थोड़ा आपको कॉम्प्रोमाइज़ दिखेगा। एक तो ये चीज़ बड़ी समस्या। दूसरी दोस्तों, जो इसके सस्पेंशन है, पीछे वाले सस्पेंशन, अब आपको क्योंकि पता है ग्राउंड क्लियरेंस जो है इस बाइक की कम है। ग्राउंड क्लियरेंस का इशू नहीं है दोस्तों, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, अगर आप किसी पहाड़ी पे या कहीं पे ऐसी जगह चले जाएं तो आपको ग्राउंड क्लियरेंस का इशू हो सकता है, वो मैं नहीं कहूँगा। लेकिन अभी तक भी मैंने इस बाइक को जितना भी राइड किया है, और ऐसा नहीं है कि मैंने इसको कुछ ही किलोमीटर राइड किया है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बार कितना किलोमीटर राइड किया है। ये देखिए, लगभग 6,000 किलोमीटर लगभग मैंने राइड कर लिया है। तो जो सस्पेंशन है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है, अगर आप कहीं उबड़ खाबड़ रास्ते में चलाते हैं तो आपको सस्पेंशन जो है काफ़ी हार्ड लगेंगे, महसूस होगी ये चीज़ कि भाई स्टिफ सस्पेंशन है इसके बहुत ज़्यादा। साथ ही साथ एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, अभी तक रॉयल एनफील्ड की जितनी बाइक्स आ रही हैं इसके अलावा, बुलेट 350, क्लासिक, मीटियोर या हिमालयन भी अगर मैं कहूं, तो सभी में कंफर्ट लेवल बहुत अच्छा आपको मिलेगा, लेकिन इसमें इतना ज़्यादा नहीं है। पहली तो जो सीट है वो थोड़ी सी कम मुझे लगी, थोड़ी छोटी मुझे लगी। साथ ही साथ जो कम्फर्ट लेवल है वो भी थोड़ा स्पोर्टियर साइड है, तो उस लेवल का कंफर्ट आपको नहीं मिलेगा इस बाइक में, जिस लेवल का कंफर्ट आप और रॉयल एनफील्ड की बाइक्स में देखते हैं। तीसरा दोस्तों, जो मैंने अभी कुछ समय से ही इशू फेस किया है वो है इसका चैन नॉइस। मुझे हमेशा, क्योंकि मैं डेली इस बाइक से अप डाउन करता हूँ, ऑफिस जाता हूँ, घर आता हूँ, और मैंने हमेशा एक चीज़ नोटिस की है कि 150-200 किलोमीटर चलने के बाद ही चैन नॉइजी हो जाती है, बहुत ज़्यादा खचर खचर की आवाज़ आती है। मुझे पता है कि चैन को लुब्रिकेंट करना हर बाइक में नेसेसरी होता है, ज़रूरी होता है, लेकिन मैंने कुछ ये चीज़ नोटिस की है कि इस बाइक में जो चैन की जो नॉइस है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो दोस्तों ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, हो सकता है ये स्पेशली इसी मेरे वाले जो बाइक है, मेरी जो बाइक है उसके साथ में दिक्कत आ रही हो, लेकिन इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों काफ़ी सारे लोगों को एक डाउट जो है हमेशा इस बाइक के बारे में रहता है, वो है हीटिंग इशू और ग्राउंड क्लियरेंस को लेकर। दोस्तों यकीन मानिए, हीटिंग इशू मुझे इसमें बाइक में कुछ ऐसा खास नहीं लगा। शुरुआत में जब मैंने बाइक खरीदी थी तब मुझे लगा था कि भाई हीट हो रही है बाइक काफ़ी, लेकिन धीरे धीरे वो नॉर्मल स्थिति में आ गई है।
आज की समय ये आज के समय में मुझे कोई ज़्यादा दिक्कत इससे नहीं महसूस हो रही है। दूसरी चीज़ दोस्तों जो ग्राउंड क्लीनर्स को लेकर है वो ये है कि मैं इतनी चलाने के बावजूद भी मैंने कभी भी ये महसूस नहीं किया कि बाइक कहीं टकरा रही हो, कहीं पर लग रही हो नीचे से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो एक इंजन की सपोर्ट के लिए जो गार्ड लगा लेते हैं लोग, उसको लगाने के बावजूद भी अगर मैंने जैसे दूसरी बाइक्स भी देखी हैं, मेरे फ्रेंड्स की बाइक्स हैं हंटर 350, जिसमें इंजन गार्ड नीचे लगाने के बावजूद भी ग्राउंड क्लीयरेंस का इशू नहीं आया। तो दोस्तों ओवरऑल बाइक काफ़ी अच्छी है। ये तीन मेजर कमी मुझे लगी थी इस मॉडल में, तो मैंने इस वजह से आपको बताई। आज की वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जय हिंद, टेक केयर।